तो जवान का एक्शन सीक्वेंसेस सब कुछ ऐसा है कि वो अनमैच्ड लेवल का है। वो शाहरुख खान के कंपेयर के जो पहले के जितने भी फिल्म्स है उसके मतलब वो सारी फिल्म्स एक तरफ और आने वाली एक जो फिल्म है जवान वो एक तरफ है। ऐसा सीन है फिल्म के रिलेटेड। अभी कुछ एक खतरनाक वाला अपडेट ये आया है कि मैंने एक वीडियो में भी बताया भी था, उसको मैंने एलैबोरेट करके नहीं बताया था। ये फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट एक एक विंटेज फिल्म होती है ना, मतलब टाइम ऑफ देसी फिल्म विंटेज विंटेज फ्लैशबैक्स देसी एक्शंस देसी टाइप ऑफ फिल्म है। ये फिल्म ये चीज़ के बारे में मैंने दो दो ही कल ही मैंने वीडियो बनाया था वो पैट्रियोटिक वाली, उसमें मैंने ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर पाया बिकॉज वो वीडियो नहीं तो 10 से 15 मिनट की बन जाती थी। इसमें विंटेज एक्शंस विंटेज सीक्वेंसेस, विंटेज मतलब क्या होता है कि पुराने ज़माने के पूरा लाइक वंस अपॉन अ टाइम मुंबई वगैरह देखा होगा। याद रखोगे ये सारी वीडियोज़ क्या होती है कि वीडियोस अपडेट सबसे पहले दे देता हूँ, बट वो इतनी पहले वो इतना ज़माना पहले मैं वो अपडेट देता था कि फिल्म पहुंचने तक तो इंसान भूल ही जाता है कि हाँ इसने कहा था वो बात, कि वो इतना लंबा डिस्टेंस हो जाता है फिल्म और मतलब बीच में। तो एक विंटेज पावरफुल विंटेज एक्शन फिल्म है ये वो टाइप की नहीं है। सुई 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 जो उड़ रहे हैं ना वो नहीं है, वो सब टाइप का इसमें नहीं रहेगा। इसमें जो भी है वो देसी फ्लेवर प्रॉपर मास देसी एक्शन, प्रॉपर मास देसी एक्शन विथ इमोशंस विथ प्रॉपर प्रॉपर जो फ्लेवर्ड होता है ना वो कल्चर का फ्लेवर्ड होता है ना, जो अभी मैं वो तो नहीं बता सकता कि किस चीज़ का वो चीज़ है, वो फ्लेवर्ड नहीं बता सकता, बट उसमें कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। वो आप लोग फिल्म के टाइम पे आप लोगों को पता चल जाएगा। ये वीडियो याद रखोगे नहीं रखोगे जो पता नहीं, तो वो चीज़ को ज़्यादा प्रमोट जो देसी जो फाउंडेशन होती है इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। एंड अदर देन दैट नेचुरलिटी इस फिल्म में ना भाई, रईस का सबसे पावरफुल चीज़ क्या था पता है? उसका जो नेचुरल उसका वे ऑफ सिनेमाटोग्राफी बहुत नेचुरल लगता था। उसमें कोई भी मतलब ना दिखावा नौटंकी नहीं लग रही थी, वो सुर सुई ये सब नहीं लग रही थी उसमें। वो एकदम मतलब एकदम प्रॉप पर वो फ्लेवर एंड वो फील कर सकते थे हम लोग वो कैरेक्टर को, कैरेक्टर का उसका उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत था कि वो कैरेक्टर को हम लोग फील कर सकते थे। द सेम 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 इसमें भी है। विंटेज इसलिए बोल रहा हूँ वो बता नहीं सकता क्या विंटेज है, बट आपको जब मूवी देखोगे तो तब पता चलेगा कि पार्शल विंटेज एक्शन सीक्वेंस है पार्शल प्रेजेंट। ये सब कुछ उस फिल्म के अंदर हुआ। ज़्यादा भी थोड़ा लिमिट रख के थोड़ा जो भी है। एंड अदर देन दैट इसका जो सिनेमाटोग्राफी होगा वर्ल्ड क्लास होगा। एंड एडिटर तो भाई इसका बहुत, वो एडिटर के बारे में पता होगा नहीं होगा शायद पता नहीं मुझे, एडिटर इसका भाई जो भी है वो बंदा लेजेंड है एडिटिंग के मामले में, लेजेंड। वो रूबेन है आई गेस, रूबेन है। आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे बिकॉज वो साउथ की मूवीज मैक्सिमम एडिट करता है। तो रूबेन इनको इस फिल्म को जवान को एडिट कर रहा है, इज वन ऑफ द, मेरे को ऐसा लगता है ना वो के एडिटिंग का एक्सपीरियंस देखा हुआ है तो वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एडिटर है मतलब तमिलनाडु के अंदर में तमिल फिल्म्स को एडिट करने के मामले में। एंड रिगार्डिंग दैट ऑल थिंग्स ये फिल्म ना भाई पावर पैक 2 घंटा 22 मिनट 25 मिनट जो जितना भी नंबर्स है वो जितने भी नंबर्स की जो फिल्म बनेगी वो फिल्म का 1 सेकेंड भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कि आप मतलब आप वेरिएशन ना लो। पठान में क्या था? फुल एक्शन था। इसमें क्या मतलब वेरिएशंस होंगे, इमोशनैलिटी होगी, कॉमेडी मुझे नहीं लगता कॉमेडी होगा बिकॉज सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर मुझे पता चल गया वो कैरेक्टर कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी कॉमिक कैरेक्टर तो नहीं है वो पार्शियल कॉमिक हो सकता है बट वो मोस्टली सीरियस कैरेक्टर है वो। एंड कमिंग टू पॉइंट ऑफ इमोशनैलिटी, भर भर के इमोशंस है इसमें, भर भर के इमोशंस। अभी जो भी पता लगता है उसके ऊपर मैं छोटी सी छोटी अपडेट, ये सब तो बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि पता चलने के बाद तो ऐसा होता है कि मूवी के बारे में एक इमोशंस जान लिया कि मूवी किस खतरनाक लेवल पे बनकर आ रही है, तो वो पता लगना भी बड़ी चीज ही है। अब टीजर किधर है, टीजर किधर, मैंने 3 वीडियो बनाया, 3 के 3 वीडियो में एक ही चीज मैंने बनाया बताया कि ईद से पहले कुछ नहीं आने वाला इसका, ईद
ईद जो आ रहा है ईद से पहले इसका कुछ भी नहीं आएगा। अगर ईद तक ईद को आती है तो ठीक है, ईद से पहले कुछ भी नहीं आएगी। दुनिया बोलते रहेगी पोस्टपोन्ड है, ये है वो है, ये तारीख को अप्रैल में टीजर आ रही है, इधर में ये आ रही है, इधर में जवान 3 की पोस्टर, जवान 2 भी है, जवान 3 भी है, सब ये सब बोलेंगे, सुनने का नहीं। ईद से पहले इसका कुछ भी नहीं आएगा। एंड अदर देन दैट, ये जो 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 मेन फाउंडेशन अपडेट्स है ये मैं देता रहूँगा। एंड प्रॉपर देसी एक्शन फिल्म विथ विंटेज फ्लेवर है भाई, ये विंटेज फ्लेवर। शाहरुख खान की कोई भी फिल्म में विंटेज फ्लेवर है, मतलब वो 1960 वाला ऐसा कुछ कोई भी फिल्म में। ओम शांति ओम में तो चलो ठीक है, वो तो डबल था, वो तो दिखाना ही था। एंड अदर देन दैट, ऐसा कोई भी फिल्म जिसमें कि फ्लैशबैक्स के टाइम पे वैसा कुछ है तो मुझे इतना याद नहीं है। बट रईस को उसमें काउंट कर, बिकॉज रईस में कुछ ऐसा टाइमिंग सेपरेटली नहीं दिखाया था। हाँ बोल सकते रईस, हाँ वो भी बोल सकते विंटेज, विंटेज एक्शन फिल्म वो भी है। तो ये भी वही है भाई, ये भी वही है। तो अपडेट सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि सारे अपडेट्स आते जाते हैं, 7-8 दिन बाद पता चलता है। फिर सब्सक्राइबर्स मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में भाई लोग कि भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, 10 दिन से कोई अपडेट नहीं है, सोए हुए हो, जागे हुए हो, क्योंकि वो बेल आइकन का बहुत दिक्कत हो रहा है, वो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचाता है, वो बिल्कुल नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा रहा है। यूट्यूब को अपडेट करो, आपके ऐप को अपडेट करो, वो बराबर नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।